हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके हम घर में एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और बहुत ही आसानी से। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये किचन वेस्ट जो हम आसानी से फेंक देते हैं, इसे अब आप अपने घर में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया करें। किसानों की भाषा में किचन वेस्ट से बनाया हुआ खाद काला सोना यानी कंपोस्ट खाद, जहां वेस्ट मैनेजमेंट का एक बढ़िया उपाय है, वहीं यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने का तरीका भी है। इसे आप घर बैठे बना सकते हैं और इसके लिए आपको अलग से किसी प्रकार का खर्च नहीं करना होता है। वैसे तो मार्केट में किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के बहुत सारे सेटअप मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक सेटअप बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के एक टेराकोटा पॉट की। पॉट साइज़ आप अपने ज़रूरत के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डीप पॉट लिया है। प्लास्टिक के गमले में भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में या प्लास्टिक के गमले में जब आप किचन वेस्ट तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ी सी स्मेल रही जाती है, लेकिन यदि मिट्टी या टेराकोटा के पॉट में आप बनाते हैं तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। मैंने जो टेराकोटा का पॉट लिया है, ये 15 से 16 इंच इसकी डेप्थ है। इसके साइज़ में बड़ा या छोटा लेना आपकी अपनी मर्जी है और अपने ज़रूरत से आप ले सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, फिलिंग को इसमें डालने के पहले आप इसके ड्रेनेज होल को चेक कर लें। ड्रेनेज होल यदि छोटा है तो आप थोड़ा सा उसे बड़ा कर लें, क्योंकि छोटे ड्रेनेज होल की वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बनेगा और मॉइस्चर ज़्यादा बनने से उसमें पानी और बदबू ज़्यादा फैलेगी। तो ड्रेनेज होल यदि छोटा है तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए और उसके बाद उसमें पेबल्स डाल दीजिए। स्टोन डाल सकते हैं, मिट्टी के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और फिर एक लेयर आप या तो पहले से आपके पास कंपोस्ट है घर का बनाया हुआ तो एक लेयर वो डाल दीजिए, या फिर आप मिट्टी भी एक इंच ऊपर से बिछा सकते हैं। एक लेयर मिट्टी या कंपोस्ट मिलाने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि पहले से यदि उस मिट्टी में या कंपोस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके कंपोस्ट को जल्दी गलने में और बनने में मदद करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक लेयर पहले आप मिट्टी या फिर आपके पास कंपोस्ट है तो वो आप डाल लीजिए, फिर ऊपर से कोई ड्राई चीज़ जैसे कि आप पेपर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सूखे लेयर को डालने से बैक्टीरिया और फंगस को पनपने का चांस भी मिल जाता है और उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, जिससे कि जो भी आपने एक लेयर किचन वेस्ट ऊपर से डाला है उसे गलने में आसानी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं तो आप वो भी मिला सकते हैं, यदि सूखे हुए पत्ते नहीं हैं और न्यूज़पेपर है घर में तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके और न्यूज़पेपर को उस किचन वेस्ट के पहले ऊपर मिला दीजिए। तो अब आप समझ गए, तीन लेयर हो गया, यानी कि एक कंपोस्ट या मिट्टी का लेयर डाला हमने, फिर किचन वेस्ट डाला और फिर ऊपर से न्यूज़पेपर डाल दिया। फ्रेंड्स, आप किचन वेस्ट से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आलू के छिलके, कोई भी छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सब कुछ डाल सकते हैं, एग शेल्स डाल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पकी हुई चीज़ जैसे चावल दाल आदि या फिर पेस्ट्री केक या नॉन वेज, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना डालें। उससे जो है सही कंपोस्ट आपका तैयार नहीं होगा। ऊपर से फिर एक लेयर आप कंपोस्ट की मिला दीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम कंपोस्ट बना रहे हैं तो फिर आप मार्केट से जो कंपोस्ट मिलता है उसे लेकर के एक इंच ऊपर लेयर आप बिछा सकते हैं। यदि आप ने पहले भी कंपोस्ट बनाया है तो आपके घर में उपलब्ध होगा कंपोस्ट, उसे आप ऊपर से मिला दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक लेयर आप किचन वेस्ट डालते हैं तो दूसरे लेयर को ऊपर से कंपोस्ट आपको मिलाना पड़ता है। ऐसे करके तीन चार लेयर आप बना लीजिए और ये किसी भी मौसम में आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की अपेक्षा ठंड में फल और सब्जियां ज़्यादा आती हैं, छिलके ज़्यादा निकलते हैं, तो ठंड में बनाना मेरे ख्याल से ठीक रहता है। और आप जब तीन चार पाँच लेयर ऊपर से डालते जाएंगे तो धीरे धीरे उस कंपोस्ट को दबाते जाइए, नीचे से जैसे जैसे वो जो आपने छिलके डाले हैं वो जैसे जैसे डीकम्पोज होते जाएंगे, वो नीचे की तरफ आप देखोगे कि नीचे की तरफ जाता जा रहा है। चार पांच लेयर जब आप कर लेते हो तो उसे आप अपने गार्डन के किसी भी एक कॉर्नर में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
जब आपका ये पॉट पूरा भर जाता है और आप इसे अब साइड में रखने वाले हो, तो ऊपर से जैसा अभी आपने वीडियो में देखा होगा, आधी ग्लास छाछ मिला दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी को नम कर दीजिए और उसे मिला करके इसे ढक दीजिए। ढक करके ऊपर से कोई भारी चीज़, कोई दूसरा गमला रख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो वो नीचे उसको बैठने में, जो भी आपने साग सब्ज़ी जो भी मिला दिया है उसे बैठने में आसानी होगी और मॉइस्ट भी बहुत ज़्यादा अंदर क्रिएट होगा, मॉइस्चर बनेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और तीन फ्रेंड्स, जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं उसे बनाने में कम से कम 30 से 40 दिनों का समय लगता ही है। करीब 30 से 35 दिनों के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अंदर जो भी मटेरियल हमने डाला था वो डीकम्पोज हो चुका है और ये बिना स्मेल के एक बहुत ही अच्छा किचन वेस्ट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स देखो, जितने भी छिलके थे वो काले काले आपको नज़र आ रहे हैं और जितने भी केले के छिलके वगैरह थे वो गलकर बहुत ही छोटे हो गए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार हो गया है। और ये देखो, ये बिल्कुल गीला भी नहीं है और बहुत ही ड्राई है। आगे के स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे ड्राई करके और आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये खाद बनके तैयार हो जाता है तो या तो आप इसे तुरंत यूज़ कर लीजिए, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो आप अभी सर्दियों में जो भी फ्लावरिंग आप लगाने वाले हैं उस पॉट में एक एक मुट्ठी इसको डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और बहुत ही अच्छा काम करेगा। और यदि आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो एक दिन के लिए इसे तेज़ धूप में छत पर कुछ नीचे पन्नी वगैरह डाल करके या कुछ भी बिछा कर इसे ऊपर से बिछा दीजिए, पूरे दिन इसे धूप में सूखने दीजिए और उसके बाद आप किसी भी बंद कंटेनर में इसे बंद करके रख सकते हैं और इस पॉट को वापस आप किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी इस खाद को एक एक मुट्ठी में अपने सभी जितने भी ठंड के पौधे हैं या और भी गुड़हल वगैरह के जो पौधे हैं उनमें मैं डालूंगी। देखो ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक पॉट चाहिए, थोड़ा बड़ा पॉट ले लीजिए और किचन वेस्ट से मटेरियल तो हर किसी के घर में निकल ही जाता है और आप एक एक लेयर बिछाते जाइए। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सी गलती भी हो जाती है यदि प्रॉपर आप स्टेप फॉलो नहीं कर पाते हो। मान लो आपके पास सूखे लीव्स नहीं हैं, सूखी पत्तियां नहीं हैं, न्यूज़पेपर नहीं है, फिर भी एक गमले में यदि आपने डाल दिया और थोड़ी सी मिट्टी भी ऊपर से मिला दी तो 30 से 40 दिनों का टाइम दीजिए और ये आराम से डीकम्पोज हो जाएगा। और यदि आपने टेराकोटा के पॉट में लगाया है तो ये एक ऐसा जैविक खाद बनकर तैयार होगा जिसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, मैंने अपने बालकनी में ही इसे रख रखा है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन फ्री, स्मेल फ्री, एक अच्छा सा खाद बनकर तैयार हो गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अपने धनिया के पौधे में, धनिया उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, धनिया के पौधे में मैंने पहले से बने हुए किचन वेस्ट कंपोस्ट को डाला है और कितनी जल्दी उसमें छोटी छोटी कलियां, मीन्स छोटे छोटे उसके पौधे उगाए हैं। मैं इसको यूज़ करूंगी अभी वापस ऐसे ही ढक करके। ये देखो काले काले इतने अच्छे से, वाकई ये काला सोना बन गया है ये जैविक खाद जो तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ऐसा किया करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर एक तो इसमें कोई खर्च नहीं है और दूसरी चीज़ किचन वेस्ट जो हम कचड़े में डाल देते हैं जिससे बहुत पॉल्यूशन फैलता है, तो एक पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये देखो ये वो धनिया है जो मैंने उगाया है और यही कंपोस्ट जो मेरे पास पहले से था वो डाला है मैंने। देखो कितनी जल्दी इसमें पौधे उगाए हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू।